हेलो बच्चों, स्मार्ट मोमेंट्स के स्मार्ट स्टडीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में इस रिटेल वोकेशनल एजुकेशन सेक्शन में आज हमारा टॉपिक है रिटेल स्टोर ऑपरेशन, यानी एक रिटेल स्टोर में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और उन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे जो रिटेल ऑपरेशंस में इंक्लूडेड है और इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी पेन आप साथ में लिख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोलते जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं रिटेल स्टोर ऑपरेशन। रिटेलिंग में, रिटेलिंग पहले सब हम समझ लें रिटेलिंग होता क्या है। रिटेलिंग होता है एक ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जहाँ पर हम लोग सामान को बेचते हैं और उसके बाद जो सेवाएँ हम देते हैं वो सारी चीज़ें कहलाती है रिटेलिंग। चाहे वो हम छोटे छोटे टुकड़ों में बेचें या हम किसी व्यापक तरीके से बेचें, वो सारी गतिविधियां रिटेलिंग कहलाती हैं। इस विविध उत्पाद में शामिल अपैरल, जूते, वित्तीय सेवाएं, अवकाश के रूप में, ये सारी चीज़ें जो हम लोग जब यूज़ करते हैं, लेते हैं या खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारी रिटेलिंग के अंतर्गत आती है। खुदरा विक्रेताओं के दो प्रकार के होते हैं। खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टोर बेस्ड होता है और दूसरा होता है नॉन स्टोर बेस्ड, मतलब जिनकी खुद की शॉप होती है, और नॉन स्टोर बेस्ड मतलब जिसकी शॉप जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, वो ऑनलाइन जो है अपनी खरीदी बिक्री पूरी देश भर में करते हैं, वे सारे जो हैं क्या कहलाते हैं, नॉन स्टोर रिटेलर। और स्टोर बेस्ड रिटेलर में जो हम आसपास हमारे घर के आसपास होते हैं, बाजार में होते हैं, वो सारे स्टोर बेस्ड होते हैं जहां पर उत्पाद को बेचने का सिलसिला जारी रहता है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो गए और आपके अपैरल्स की दुकान हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाते हैं हमारे घर के आसपास। लेकिन वही हम बात करें नॉन स्टोर बेस्ड, जहाँ पर स्टोर नहीं होता, तो उसका एग्जांपल हम ले उदाहरण ले सकते हैं अमेज़न हो गया। अमेज़न से आप देखोगे आज की डेट बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है, जो ई रिटेलिंग हो रही है ना अमेज़न से बहुत ज़्यादा हो रही है। जो भी हमें सामान मंगाना है हमारे घर पहुँच कर हमें जो है ये सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट है ना, मिंत्रा, ऐसे अनगिनत बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से हम ऑनलाइन घर बैठे फ़ोन के माध्यम से, ऑन इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं और सामान को अपने अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार मंगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं रिटेलिंग में, मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर पता चल गई हमें, नॉन स्टोर बेस्ड और स्टोर बेस्ड। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर इस सेक्शन में, रिटेलिंग और स्टोर बेस्ड रिटेलिंग और नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग और उसके एग्जाम्पल्स। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आता है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग क्या है? टेली मार्केटिंग भी एक रिटेलिंग का हिस्सा है जिसमें टीवी के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से जो है सामान को बेचा जाता है। हम टीवी पर ऐड देखते हैं नाप तौल का, है ना, कई बार हमें नंबर्स डिस्प्ले होते हैं तो हम फ़ोन करके बोलते हैं कि आप तुरंत ऑर्डर कीजिए, नहीं तो ये ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आप तुरंत ऑर्डर करते हैं उस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर, और सामान आपके घर पर पहुँच जाता है 2999, व्हाटएवर जो भी सामान का रेट है, वो सारी चीज़ें। तो वो जो टीवी के थ्रू जो ऐड पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो सारी कहलाती है टेली मार्केटिंग के थ्रू। यानी फ़ोन में भी आपको कई बार रिचार्ज के लिए बोला जाता है कि आप जियो का रिचार्ज कीजिए 399 रुपये में और पाइए 6 GB डेटा हर दिन के लिए। तो इस प्रकार से जो ऐड चलते हैं, जो ऐड चलाए जाते हैं और उसकी बिक्री की जाती है, सर्विसेज की बिक्री की जाती है, वो सारी कहलाती है टेली मार्केटिंग की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों वेंडिंग मशीन की। वेंडिंग मशीन जो है एक ऐसा मशीन है जिसमें जो सामान को बेचा जाता है और सेवाओं की बिक्री की जाती है। वेंडिंग मशीन, जैसे वेंडिंग मशीन में हम ले सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वेंडिंग मशीन के थ्रू ले सकते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी भी हो गया, आजकल वेंडिंग मशीन के थ्रू बेचा जाता है। कई बार जहाँ वहाँ पर चाय बनाने वाला कोई रहता नहीं, एक वेंडिंग मशीन ले लिया जाता है और आपको तुरंत टी और कॉफ़ी उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में वेंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ई रिटेलिंग की। देखो नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग और ई रिटेलिंग दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। ई रिटेलिंग का मतलब होता है जो भी खरीदारी, जो भी बिक्री इंटरनेट के माध्यम से की जाती है वो सारी कहलाती है ई रिटेलिंग। मतलब एक ऐसा दुकान जो आपके सामने मौजूद नहीं है लेकिन आपको वो टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, वो उससे अगर हम लोग अपने चुन कर अपने पर प्रोडक्ट खरीदते हैं वो कहलाता है हमारा ई रिटेलिंग। जो लेन देन इंटरनेट के माध्यम से किया जाए वो कहलाता है ई रिटेलिंग। तो बच्चों समझ आया आपको, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वितरण चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटेलिंग का। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी वितरण चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस लिए इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसको वो आगे प्रोसेस करता है, फिर वो होलसेलर के पास पहुँचता है, फिर उसके बाद रिटेलर के पास पहुँचता है, फिर आपके पास पहुँचता है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बहुत सारी चीज़ें होती है ना। आप मैन्युफैक्चरर के पास जाके डायरेक्ट नहीं खरीद सकते या फिर होलसेलर के पास जाके नहीं खरीद सकते, आपको रिटेलर के पास खरीदना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरर को ज़रूरत है होलसेलर की, होलसेलर को ज़रूरत है रिटेलर की, तो इस तरीके से, और रिटेलर को ज़रूरत है कस्टमर की। तो अल्टीमेटली कस्टमर ही एक फाइनल जो है उनका डेस्टिनेशन होता है, उनका टारगेट पॉइंट होता है।
ठीक है, तो वितरण चैनल उस हिसाब से बनाया जाता है, एक कड़ी है जिसको ब्रेक करके हम लोग जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो हम इस पे ध्यान देंगे कि जब भी वितरण की बात आती है वितरण चैनल की, तो उसमें एक निर्माता होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, एक होता है वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद आता है होलसेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदता है माल, और होलसेलर जो है फिर रिटेलर को जाके उनको बेचता है माल, और रिटेलर जो है फाइनल कस्टमर को पहुंचाता है। तो इस तरीके से एक दूसरे से लिंक होकर प्रोडक्ट जो है आप तक पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है, रिटेलर एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कस्टमर। अगर सोचो रिटेलर अगर हटा दिया जाए इस लिंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, रिटेलर को हटा दिया जाए, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही होगा? क्या प्रोडक्ट कस्टमर तक सही समय पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रिटेलर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कस्टमर उसी जगह पर सही समय पर सही प्लेस पर सही जानकारी के साथ वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए आप सही उत्पादों को खरीदा जाता है ग्राहकों के द्वारा, ग्राहकों को पहले छूने और महसूस करने के लिए जो है उत्पाद वहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, मतलब ग्राहक जो अपने अनुसार वहाँ पर उत्पादों को छू और देखकर वो परख कर सामान खरीद सकता है। ग्राहकों को व्यक्तिगत या कई इकाइयों में खरीदने की अनुमति देता है कि आप एक दो जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतना आप खरीद सकते हैं, जैसे एक किलो शक्कर चाहिए तो एक किलो आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, बिक्री सहयोगी को उपलब्ध कराना उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी उत्पाद का प्रश्न का उत्तर देना, ग्राहकों के कई सारे प्रश्न होते हैं उनका सारे को उत्तर देना रिटेलर का ही काम होता है, है ना, और एक उत्पाद पर दूसरा उत्पाद बेचना भी जो है रिटेलर अपने दूसरे उत्पाद को भी प्रमोट करता है, प्रतिस्पर्धा की कीमत भी उन्हें देखनी पड़ती है कि सामने वाला पर्सन जो है मेरे अनुसार जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके दे रहा है कि ज़्यादा करके दे रहा है, वो सब तरीके को ध्यान देना पड़ता है। ग्राहकों को विनिमय करने के लिए अनुमति देना, कई उत्पाद ऐसे वापस ना करना, ये सही नहीं है कि अगर ग्राहक आपके उत्पाद से खुश नहीं है तो आप उसके रिटर्न की पॉलिसी वहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कई बार उधार भी देना पड़ जाता है, तो घर पहुँच सेवा डिलीवरी होम डिलीवरी आपको देना पड़ता है, उपहार जैसी सेवाएँ लपेटना मरम्मत करना, अगर आपको कोई चीज़ डैमेज हो गया कोई चीज़ ख़राब हो गया तो आप उसको रिटर्न करके नई चीज़ें नई प्रोडक्ट उसको वापस दीजिए कस्टमर को, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे काम जो है गतिविधियाँ रिटेलर का काम होता है, एक रिटेलर ही ये सारी चीज़ों को करता है, तभी वो ग्राहकों को इम्प्रेस कर पाता है, ग्राहकों को एक अच्छा बॉन्डिंग बना पाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, खुदरा विक्रेता लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी कार्य करता है। खुदरा विक्रेता और ग्राहक के बीच क्या संबंध होता है? अब देखिए रिटेलर और ग्राहक के बीच क्या क्या संबंध है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मर्चेंडाइजिंग, एक मर्चेंडाइजिंग प्रक्रिया है, मर्चेंडाइजिंग इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पाद को सही तरीके से ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है, ग्राहक जो है उस चीज़ को खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं अगर उनका मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट का अच्छा है। ठीक है, दूसरा होता है संचालन। देखो यहाँ पर खुदरा विक्रेताओं को सबसे पहले तो मर्चेंडाइजिंग पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा हो गया संचालन पर। संचालन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी रिटेल स्टोर कोई भी स्टोर जो है बिना संचालन के अच्छे से नहीं चल पाएगा, उनका रख रखाव का ध्यान रखना, रसीद वितरण प्रणाली ये सारी चीज़ों को ध्यान देना अति आवश्यक होता है। उसके बाद होता है प्रचार यानी प्रमोशन। प्रमोशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सामान को बेचना और ग्राहकों को पहुंचाना। ठीक है, प्रचार में वो सारी गतिविधियां शामिल है जैसे विज्ञापन, कोई प्रचार टीवी के माध्यम से ऐड देना, न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐड देना, कुछ कार्यक्रम के माध्यम कोई कार्यक्रम करवाना, है ना, एक छोटी सी इवेंट करवा देना, तो वो सारी चीज़ें जो है ग्राहकों को अपनी ओर आपके दुकान की ओर आकर्षित जरूर करेंगी। आप देखेंगे नए नए सुपरमार्केट हैं उन लोग ये कॉन्सेप्ट लाते हैं, कुछ इवेंट्स करवा दिए, बच्चों को साथ में फैमिली को बुला लिए, है ना, इससे क्या होता है एक तो गेट टुगेदर भी हो जाता है, साथ साथ एक ग्राहक के और एक रिटेलर में जो रिलेशनशिप होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है वो काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। उसके साथ नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, कंट्रोलिंग मतलब आपके कर्मचारियों पे कंट्रोल, उनके वेतन को सही समय पे देना, ठीक है, बिक्री को सही समय में पूरी करना, जो सप्लाई और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बनाए रखना, ठीक है, ग्राहकों की जो ज़रूरत है उनको पूरा करना, वो सारी चीज़ें जो है नियंत्रण में आता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ के जो सुविधाएँ उनको देना, उनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग, है ना, उनकी सैलरी, ठीक है, उनकी उन्नति और कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करना एक रिटेलर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट, कितने प्रकार के रिटेल आउटलेट होते हैं, तो देखो डिपार्टमेंटल स्टोर, डिस्काउंट स्टोर, वेयर हाउस स्टोर, वैरायटी स्टोर, डेमोग्राफिक स्टोर, मॉम एंड पॉप, स्पेशलिटी स्टोर, बुटीक, है ना, जनरल स्टोर, कन्वीनियंट स्टोर, हाइपरमार्केट, सुपरमार्केट, मॉल, कैटेगरी किलर, स्पेशलिस्ट, ई रिटेलर, वेंडिंग मशीन, तो ये सारे रिटेल आउटलेट्स हैं। इसमें आपको नॉन स्टोर बेस्ड भी मिलेंगे और स्टोर बेस्ड भी मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, बड़े पैमाने पर लार्ज स्टोर्स होते हैं जिसमें डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, खिलौने के अलग मिलेंगे आपको, है ना,
मेडिसिन्स के अलग मिलेंगे, कॉस्मेटिक्स के अलग मिलेंगे, क्लोथिंग्स के अलग मिलेंगे, होम फर्निशिंग के अलग मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग मिलेंगे। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर स्टोर्स होते हैं, इसको बोला जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, ये टारगेट करता है मास को, यानी ग्रुप ऑफ द पीपल, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ आकर जो है सामान खरीद और बेच सकते हैं, तो ये सारे कहलाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। दूसरा है सुपर मार्केट स्टोर। सुपर मार्केट स्टोर ऐसा ऐसा है कि लार्ज सेल्फ सर्विस स्टोर्स होता है, मतलब यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है सामानों की बिक्री की जाती है, जैसे फूड आइटम्स हो गए, ठीक है, टॉयलेट्रीज हो गए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमें ज़रूरत पड़ती है, शक्कर और जो भी चीज़ें हमें डेली प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें सुपर मार्केट में आजकल अवेलेबल हो गई। आज के डेट में देखेंगे तो हर एक ब्लॉक में, विकासखंड में या फिर कोई ऐसे डेवलप्ड जो सिटी है वहाँ पर आपको सुपर मार्केट अवश्य मिलेगा। आजकल हर दो कदम पर आपको सुपर मार्केट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये आज के डेट में बोला जाए कि लोगों की डिमांड है, प्रोग्रेसिव है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में स्पेशल होना है ना, किसी चीज़ में विशेष होना। ये एक छोटे स्टोर्स होते हैं, ठीक है, रूप में छोटे होते हैं, विच कॉन्सेंट्रेट ऑन सेलिंग द स्पेशल प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे ज्वेलरीज का दुकान आप ले लो, ठीक है, तो वो स्पेशल सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट को बेचेगा। जैसे ज्वेलरीज में वो अगर आभूषण बेच रहा है वुमेंस के, तो वो ऑर्नामेंट्स, वही ऑर्नामेंट्स को बेचेगा, तो वो स्पेशलिस्ट स्टोर में कहे जा सकते हैं। किड्स वियर, जैसे किड्स वियर बच्चों के कपड़े बेच रहे तो केवल किड्स वियर ही बेचेगा। मेंस वियर मतलब मेंस वियर केवल बड़ों के बेचेगा, वुमेंस वियर मतलब वुमेंस वियर। तो इस तरीके से स्पेशलिटी स्टोर होते हैं, ठीक है, जो इन प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों कन्वीनियंट स्टोर। कन्वीनियंट स्टोर का मतलब होता है एक स्मॉल सेल्फ सर्विस स्टोर, मतलब एक छोटा खुद के द्वारा आप खुद जाके खरीदी कर सकते हैं, और जो है जैसे फास्ट मूविंग गुड्स, जो भी हम सामान खरीदते हैं, चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम कन्वीनियंट स्टोर के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं। एक नॉन फूड आइटम्स आर यूजुअली वेल लोकेटेड ऑपरेट इन लॉन्ग आवर्स। आपको कई दुकानें जो है आपको कन्वीनियंट स्टोर मिल जाएगी। आप किराना स्टोर का नाम ले सकते हैं, डेली नीड्स का नाम ले सकते हैं, ये सब कन्वीनियंट स्टोर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल टाइम बहुत समय तक आपको ये चीज़ें मिल जाती है। इसके बाद आती है बात डिस्काउंट स्टोर की। डिस्काउंट स्टोर भी आपको मिल जाएगा, स्टोर्स दैट ऑफर द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद द डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब यहाँ पर भी प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज़्यादा होती है और डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाता है। बात करते हैं हाइपरमार्केट की। हाइपरमार्केट सुपरमार्केट का अंतर यही है कि ये हाइपरमार्केट सुपरमार्केट से काफ़ी बड़ा होता है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं, एनॉर्मस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द वन रूफ, ऑल्सो देर आर सो मेनी शॉप्स विद वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़, बहुत सारी वेराइटीज़ के होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज के होते हैं, प्राइस रेंज के होते हैं। तो ओवरऑल सुपर हाइपर मार्केट इज समथिंग विच इज़ यू नो लोकेटेड इन द बिग सिटीज़ और इन द बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बट सुपर मार्केट इज अवेलेबल इन द ऑल स्मॉल टाउन्स ऑल्सो। ओके, उसके बाद बात करते हैं बच्चों ई रिटेलर की। ई रिटेलिंग में मतलब होता है स्टोर दैट सेल गुड्स ऑन द इंटरनेट। जो रिटेलिंग जो इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, इंटरनेट में जो खरीदी बिक्री की जाती है, वो सारी कहलाती है हमारी ई रिटेलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। वेयर हाउस स्टोर क्या होता है, वेयर हाउस स्टोर को समझ लेते हैं। वेयर हाउस स्टोर एक खुदरा प्रारूप जो रियायती दर पर थोक में सीमित स्टॉक बेचता है। मतलब वेयर हाउस में क्या होता है, जो कम सामान बेचता है, ठीक है, और कम कीमत पर बेचता है। जैसे हम बोल सकते हैं कोई रिटेलर है, वो या तो होलसेलर दुकान में आएगा, होलसेलर वाला कहाँ से देगा, वेयर हाउस स्टोर से उसे ला के देना होता है। तो वेयर हाउस स्टोर में जो है कम, बहुत कम दर पर जो है उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, उससे वेयर हाउस स्टोर कहा जाता है। वेयर हाउस स्टोर जो है अंदरूनी हिस्से के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं करते, वहाँ पर जो देखा जाए तो ये कस्टमर के पहुँच से काफ़ी दूर होते हैं, कस्टमर वहाँ तक नहीं जाते, वो जनरली जो है बड़ी डील वाले जो है वहाँ पर जाया करते हैं और वहाँ से वो सामान जो है एक लॉट में खरीद कर लाकर बेचते हैं। मॉल्स का आप जान गए, मॉल्स का मतलब हो गया शॉपिंग मॉल्स, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें एक ही छत के नीचे आपको मिल जाती है, ये भी हाइपर मार्केट का ही एक स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मॉम और पॉप स्टोर। मॉम और पॉप स्टोर क्या है, भारत में किराना स्टोर भी कहा जाता है। मॉम और पॉप का मतलब हो गया किराना स्टोर का ही रूप है ये। मॉम पॉप स्टोर जो है आसपास के इलाकों में व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप देखो छोटे छोटे पान दुकान हो गया आपके, बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो है शॉप हो गए, है ना, किराना दुकान हो गई, ये सारे क्या है मॉम एंड पॉप स्टोर है, जो छोटे स्टोर हैं जो आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ये बोलते हैं मॉम और पॉप स्टोर। वे चयनित वस्तुओं की पेशकश करते हैं और सभी संगठित नहीं हैं, ये सब संगठित में नहीं आता, यह असंगठित रिटेलिंग है। दुकान का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, यहाँ पर बहुत ही छोटा होता है, मालिक अपनी उपलब्ध भूमि में उस दुकान को खोलकर चलाता है, ये सारे कहलाते हैं हमारे मॉम एंड पॉप स्टोर। इसके बाद बात आती है विशेषता भंडार स्पेशलिटी शॉप की, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों,
डॉलर स्टोर क्या होता है? डॉलर स्टोर जो होता है बहुत कम दरों पर चयनित उत्पादों की पेशकश करते हैं, यहाँ कीमतें तय की जाती है। उदाहरण के लिए 99 स्टोर केवल 99 रुपीज़ में सभी मॉल में पेश करेगा। तो डॉलर स्टोर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टैग के साथ, एक पर्टिकुलर प्राइस टैग के साथ वो चीज़ को सेल करता है। जैसे 100 रुपये में आप सारे सामान ले जाइए, 40 रुपये हर माल 40 रुपये, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? डॉलर स्टोर कहलाते हैं। मतलब कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय में सारी चीज़ों को ये बेचकर चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज की बात जब भी आती है हमारे सामने, तो स्टोरेज में इंपॉर्टेंट ये है कि स्टोरेज इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ रिटेलिंग। हम कोई भी चीज़ को, रिटेलिंग को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से नहीं चला सकते जब उसमें स्टोरेज की कमी हो। सही स्टोरेज, सामान का सही स्टोरेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। स्टोरेज मीन्स द प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ गुड्स फॉर रिटेलिंग। हर सामान का, हर प्रोडक्ट को सही तरीके से अरेंज कर कर रखना, उसकी जगह पर रखना, उसके समय पर रखना, है ना। और एक्चुअल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ इट शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, सो दैट इट शुड बी यू नो करेक्टली और स्ट्राइक टू द कस्टमर्स व्यू पॉइंट। ओके, नाउ नीड फॉर द स्टोरेज। स्टोरेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरेज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हम रिटेल देखा जाए तो आज के कॉम्पिटेटिव युग में आप देखा जाए तो एवरी कस्टमर वॉन्ट टू फुलफिल देयर नीड्स बाय द वेराइटी ऑफ गुड्स, है ना। हर एक जो है कस्टमर जो है अपनी नीड्स को पूरा करना चाहता है बहुत सारे सामान खरीद कर। देयर फॉर एवरी रिटेलर मस्ट फोकस ऑन देयर सफिशियंट अरेंजमेंट्स ऑफ द गुड। एक रिटेलर के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ मतलब गुड्स होने चाहिए ताकि वो कस्टमर की जरूरतों को पूरा कर सके। तो इस सारी चीज़ों की स्टोरेज जो है बहुत ज़रूरी होती है कि सही स्टोरेज आपके प्रोडक्ट को बचा कर भी रखेगा, साथ साथ आपका कस्टमर जो है आपके शॉप से वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है स्टोरेज की बात। आगे बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। एक बल्गर या उत्पाद या विदेशी मुद्रा की मात्रा जिसे किसी व्यक्तिगत संगठन आपूर्तिकर्ता द्वारा संसाधित या प्राप्त और चिन्हित किया जाता है। स्टॉक रूम संतुष्टि, स्टॉक सहयोगी कंपनियों के वितरण के एक केंद्रीय बिंदु से खुदरा स्टोर की बिक्री, मंजिल, अतिरिक्त स्थान, वितरण प्रक्रिया में प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। पोजीशन का मतलब होता है एक स्थिति, है ना। आपका रिटेल की दुकान जो है किस स्थिति में है, ठीक है, किस कंडीशन में है, ठीक है। आपकी लोकेशन क्या है, आपके आसपास के जो है कस्टमर किस प्रकार के कस्टमर आपके पास आते हैं, आपके पास किस प्रकार के उत्पाद हैं, ठीक है, कौन कौन सी आपकी जो है फैसिलिटीज़ हैं जो कस्टमर को मुहैया कराई जा सकती है। जैसे कैशलेस फैसिलिटी हो गई, आपके पास कैशलेस मशीन है कि नहीं है जिससे वो स्वैप करके सामान खरीद सकता है, वो है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं है, डिस्काउंट अवेलेबल है कि नहीं है, पोजीशन आपकी स्थिति बेहतर है कि नहीं है बाकी कॉम्पिटिटर से आपके, तो वो सारी पोजीशन में आती हैं, ठीक है। तो एक रिटेलर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक किसी भी एक अच्छे रिटेलर को प्रोग्रेस करने के लिए। वस्तुओं के भंडार की तकनीक। शॉपकीपर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीक को दुकानदार स्टोर संचालन सहायक इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो रैंकिंग किया जाता है। जब भी हम देखें तो आप देखोगे कई सारे दुकानों के नाम टॉप पर आते हैं, फिर कई सारे दुकानों के नाम नीचे आते हैं। क्यों? ये सब रैंकिंग होती है, ठीक है। जो स्टोर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो टॉप पे आ जाता है, जो स्टोर अंडर परफॉर्म कर रहा है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये सब रैंकिंग की जाती है। आप उसी तरह रैंकिंग अपने दुकान की भी कर सकते हो। सामानों को उसके रैंक के अनुसार जमाइए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा भारी सामान है उसे आप अलग रखिए, जो बहुत ज़्यादा बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाना चाहिए उसे अलग रखिए, ठीक है। जो ज़रूरत के सामान है जैसे सोप का सामान है सोप का सेक्शन में रखिए, कॉस्मेटिक सामान कॉस्मेटिक में रखिए, खाने पीने का सामान खाने पीने वाले में रखिए, ठीक है। अलमारियों रैक प्रॉपर होने चाहिए ताकि आप सामान को बेहतर तरीके से जमा पाएँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। खुदरा विक्रेता दुर्घटनाओं से बचने के लिए भंडारण विभाग से सामान संग्रहित करते हैं और समय की सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। आप देखोगे खुदरा विक्रेता क्या करते हैं, कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए स्टोरेज किया जाता है, वो इन्वेंट्री में रखते हैं, स्टॉक बनाकर रखते हैं। उनका एक गोडाउन होता है, वहाँ पर वो जनरली स्टोर करके रखते हैं, सभी सामान को दुकान पर वो नहीं लाते। इससे क्या होता है, वो समय की बचत भी करते हैं, साथ साथ सामान को ख़राब होने से भी वो बचा पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्टोर के लिए। रिटेल कर्मचारी की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। अब कोई भी रिटेलर ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पर वो कस्टमर पहुँच ही ना पाए, और साथ साथ ऐसा ना हो कि वहाँ पर खड़े होने के लिए भी जगह ना हो। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ जहाँ वो अलमारी और रेक और जहाँ से वो माल निकाल लेते हैं वो सारी चीज़ें कंफर्टेबली होना चाहिए, ग्राहकों को भी तकलीफ ना हो और दुकानदार को भी तकलीफ ना हो। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सामान को तार्किक रूप से रखा जाता है, सबसे नीचे भारी सामान को रखा जाता है, आम सामान वस्तुओं को आसानी से उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं पैलेट्स की। पैलेट्स क्या है?
यदि पैलेट्स का उपयोग रैकिंग इकाइयों के साथ किया जाता है तो किसी निम्नलिखित से जो है इनमें से बचना चाहिए। देखिए पैलेट्स का मतलब होता है एक तरीके से रेखी होता है, ठीक है, इसमें भी सामान को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा जाता है। पैलेट का उपयोग जो माल के भार को सहन नहीं कर सकता उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पैलेट्स कई पैलेट्स ऐसे होते हैं जो माल को भार को सहन नहीं कर सकते, भारी सामान नहीं रख सकते हम पैलेट्स में, ठीक है। क्षतिग्रस्त या बुरी तरीके से निर्मित पैलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। सामग्री के लिए अनुचित पैलेट का उपयोग ना करें। प्लेटों की पर सामग्री का खराब हैंडलिंग हो सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे सारी चीज़ें ना हो, तो पैलेट्स में आप एकदम सुरक्षा के साथ जो है हल्के सामान को रखें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों आगे बात करते हैं स्टोरेज में डेंजरस चीज़ों को, मतलब डेंजरस जो भी खतरे से कैसे बचाया जा सके जो सामानों को। तो खतरनाक सामानों के भंडारण पर विशेष देखभाल और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो ऐसे सामान जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं उसको जो है उसकी स्टोरेज बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी पड़ती है। खतरनाक और खतरनाक सामान का भंडार करते समय निर्माता द्वारा दिए गए सुरक्षा डेटा शीट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। आप जब भी स्टोरेज करें तो ये ध्यान दें कि वो सामान जो है उसके लिए कौन से निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन करके आप स्टोरेज को आगे प्रोसेस करें। केवल सीमित मात्रा में ही खतरनाक पदार्थ रखें। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना रखें जो नुकसानदेह हो, चाहे बच्चों का हो चाहे कोई भी कस्टमर का हो। तो कभी भी नुकसानदेह वाले प्रोडक्ट हमें नहीं रखना है, स्टोर नहीं करना है। इसके साथ असंगत पदार्थों को अलग से रखें, है ना। कई बार ऐसे प्रोडक्ट हमारे आसपास में लगे हुए रहते हैं, जैसे हमने रख दिया एक सेक्शन में रख दिया यहाँ पर खाने का सामान मिक्सचर और एक साइड में रख दिया फिनाइल, तो ये जो है अपोजिट जो है कंपोजिशन हो जाता है। इससे क्या हो सकता है अगर गलती से कुछ हो गया यहाँ पर तो सामान जो है खाने का सामान खराब हो सकता है, कंटेमिनेट हो सकता है, उससे आगे फूड पॉइजनिंग जैसे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि असंगत पदार्थों को जो है एक दूसरे से अलग रखें, ठीक है। कंटेनर से खतरनाक पदार्थों के रिसाव को रोकें। आपके कंटेनर से कोई भी जैसे ऑयल हो गया, कोई भी हो गया, है ना, मिट्टी तेल हो गया, अगर कहीं से लीक हो रहा है उसको ध्यान दें, और अगर लीक हो रहा है तो उसे आप डिस्प्लेस कर दें, वहाँ से हटा दें, ठीक है। तो ये कभी भी रिसाव वाले केस को उत्पन्न होने ना दें। उन्हें स्लिप कट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करें। स्टोरेज एरिया के पास स्लिप किट भी रखें। स्लिप किट भी रखना जरूरी है स्टोरेज एरिया, जहाँ पर स्टोर हो रहा है वहाँ पर स्लिप किट भी रखा जाए। स्लिप किट का मतलब हो गया आपका एक ऐसा किट प्रोवाइड करना जो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करे, है ना, आपको प्रोटेक्ट करे, मतलब आपको गिरने से बचाए, तो वहाँ पर स्लिप किट होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं वहाँ पर स्लिप ना हो जाए उसमें आपको ध्यान, वहाँ पर जो है ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए, किट होना चाहिए, जैसे आपके ग्लव्स हो गए, वो PPE जो बोला जाता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, जूते चप्पल और दिस थिंग्स, ठीक है। कंटेनर से किसी भी रिसाव या फैलाव के लिए नियमित रूप से जांच करें। आप देखते रहें कि कोई भी चीज़ सामान जो है उसमें रिसाव तो नहीं हो रहा है, उसमें कोई लीक तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सुनिश्चित करें कि कर्मचारी खतरनाक पदार्थों से निपटने के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनता है कि नहीं, ठीक है। वो कोई भी खतरनाक प्रोडक्ट को अगर वो हैंडल कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से वो PPE का उपयोग कर रहा है कि नहीं है, सारी चीज़ों को ध्यान देना है। उसने प्रॉपरली ग्लोव्स पहना है कि नहीं पहना है, हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, ठीक है, और सारी जो है वो सारे उपकरण को उपयोग का उपयोग वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्टोरिंग फूड सेफली इन द रिटेल स्टोर। अब खाने पीने का सामान जो है आपके रिटेल स्टोर में कैसे स्टोर किया जाए, इस बात को कैसे समझते हैं, आइए। खाद्य और खान पान खुदरा व्यवसाय यह सुनिश्चित करते हैं। आप देखोगे हर एक खुदरा स्टोर जो है खान पान की चीज़ें रखता है, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, मिक्सचर हो गए, ये सारी चीज़ों को उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ये खान पान की चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, डेली हमें आवश्यकता होती है, तो इसकी सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भोजन में उपयोग की जाती है, ठीक है, और इसको संग्रहित करना, स्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम देखेंगे कई दुकानों में आप देखेंगे चूहे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, वो कई बार चीज़ों को कंटेमिनेट कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा भंडारण के लिए स्टोर संचालन सहायक द्वारा निर्मित कदम उठाए जाने चाहिए। कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए आइए जानते हैं। सभी भंडारण क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करें। आप जो भी भंडार जहाँ पर भी आपका स्टोरेज काउंटर है, जो भी स्टोर जहाँ पर आप करते हैं, स्टोर रूम है, वहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप गर्मी पड़ी, बरसात हो रही है तो पानी जो है वहाँ से छत से टपक रहा हो। पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए, हर मौसम को झेलने वाला एक स्टोर रूम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, विभिन्न स्थानों पर सूखे भोजन को स्टोर करें, ठीक है। आप सूखे हुए भोजन को आप अलग अलग जगह पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट की जांच करते रहें, कोई सामान अगर एक्सपायर हो गया है उसे आप अलग करके रख दें और उसे रिटर्न भिजवा दें, ठीक है। सुनिश्चित करें कि भंडारण क्षेत्र साफ़ हो, ठीक है। ये बिल्कुल आपको सुनिश्चित करना है कि जो भी स्टोरेज एरिया है वो काफ़ी साफ़ होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, कीड़े मकोड़े ऑल दिस थिंग्स, तो उससे आपका जो है सारा स्टोरेज रूम जो है ख़राब हो सकता है, ठीक है। खाद्य पैकेजिंग पर भंडारण निर्देशों का पालन करें, ठीक है। और पैकेजिंग पर भी आपको जो है खाने पीने के सामान को पैकेजिंग पर भी आपको ध्यान देना अति आवश्यक होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं स्टोरिंग गुड्स एंड मटेरियल सेफली, ठीक है। अब कैसे गुड्स और मटेरियल को कैसे स्टोर करके रखा जाए, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुनिश्चित करें कि सभी निकास मार्ग चिन्हित हो, मतलब सही चीज़ें सही डायरेक्शन पे हो, हर चीज़ का डायरेक्शन उधर हो। मतलब कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट अगर इस साइड में राइट साइड में तो राइट साइड वाला डायरेक्शन होना चाहिए, अगर फूड प्रोडक्ट इधर है तो लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये सारे डायरेक्शन जो है वहाँ पर चिन्हित होने चाहिए एक चिन्ह के माध्यम से, ताकि वो कोई भी वहाँ पर स्टोर रूम में जाए तो उसे ढूंढने में परेशानी ना हो। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है। आग से जोखिमी को कम करने के लिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक जो है वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। निकास मार्ग के पास आग बुझाने वाला वही अग्निशामक वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, जहाँ पर एग्जिट पोल है, एग्जिट जहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी ज्वलनशील वस्तु को इग्निशन के स्रोत के पास नहीं रखना चाहिए। कोई भी अगर ज्वलनशील वस्तु जैसे माचिस हो गया, मिट्टी तेल हो गया, आप वहाँ पर एक साथ मत रखिए उस चीज़ को। इस बात का ध्यान दें ताकि वो आपको दुर्घटना आप खुद अपने हाथों से बुला रहे हैं ऐसा होगा। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आसपास में ना हो। खतरनाक पदार्थ जैसे रसायन उचित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए। जो भी रासायनिक प्रोडक्ट है लिक्विड फॉर्म में है उसको एक सही तरीके से उसे संग्रहित करके रखना चाहिए, ठीक है। स्लिप से बचने के लिए सभी फेल को साफ करना चाहिए, सभी फर्श को पूरा साफ कर रखें, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रिसाव हो गया, ठीक है, तो हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी आपकी खुद की दुकान है तो आप खुद उसके एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। खुदरा स्टोर में स्पिल को साफ करने के लिए पर्याप्त उपकरण है कि नहीं, आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। जो भी रिसाव हुआ है उसको साफ करने के लिए आपके पास उपकरण उपलब्ध है कि नहीं। सामग्री या भंडार सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए स्टाफ और सदस्यों व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं कि नहीं जाते, ठीक है। आपके स्टाफ जितने भी स्टाफ हैं उनको आपने ये सब चीज़ें दी हुई कि नहीं दी हुई, सुरक्षा उपकरण जैसे ग्लोव्स हो गए, हेलमेट हो गए, है ना, मास्क हो गया, ये सारी चीज़ें आप उपलब्ध कराएं कि नहीं कराएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद पीपीई का उपयोग, वही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग जो है आपके शॉप में होना चाहिए, स्टोर रूम में होना चाहिए। उच्च मूल्य वाले सामानों के लिए उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। और जो बड़े सामान हैं जैसे बड़े प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जो भी हो गए, उसकी उसको उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा होनी चाहिए कि ऐसा नहीं आप बोल दें कस्टमर को कि जाके देख लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। उपयुक्त साइनेज का उपयोग किया जाए, यहाँ पर जो है सही डायरेक्शन का उपयोग किया जाए, सही साइन का उपयोग किया जाए, मतलब सही बोला जाए, सही डिलीवरी का उपयोग किया जाए, मतलब सही चीज़ आप उन्हें बता पाएँ, ठीक है, सही निर्देश दे पाएँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और साथ साथ आपका जो शॉप है काफ़ी क्लीनलीनेस और सैनिटाइजेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रोसेस ऑफ गुड क्वालिटी, गुड हैंडलिंग, सॉरी, प्रोसेस ऑफ गुड हैंडलिंग का मतलब होता है कि अच्छे से हैंडलिंग करने का क्या नियम है, ठीक है। विशेषकर सामान के अधिक सावधानी से को संभालना ही क्या कहलाता है, हैंडलिंग कहलाता है, ठीक है। जब भारी पैकेज के माध्यम से जो चीज़ हम सामान को प्राप्त करते हैं और गुड्स, उसे गुड्स हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। किसी भी रूप में वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिए हमें हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, जिसे हैंडलिंग इक्विपमेंट कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। और उसे खुदरा व्यापार की उत्पादकता और किसी अन्य ऑपरेशन की तुलना में सामानों की हैंडलिंग अत्यधिक श्रम गहन है, इसलिए लागत मार्ग की हैंडलिंग भी से भी अधिक है। आप देखेंगे हैंडलिंग हर जगह पे जो है अवेलेबल नहीं होती, कहीं आप दुकान छोटे दुकान में देखोगे तो वहाँ पर हैंडलिंग आपको नहीं अवेलेबल, जो सामान वो खुद चढ़ाता है खुद से, और वो खुद वहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करता, ठीक है। हाँ, छोटे मोटे आप देखोगे इस उपकरण का उपयोग कर लेगा, लेकिन बड़े उपकरण का नहीं करता। लेकिन आप देखोगे बड़े रिटेल शॉप में, बड़े शॉपिंग मॉल में, वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, उपकरण का सामान को नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता है, ऊपर से नीचे लाया जाता है, लेफ़्ट से राइट पहुंचाया जाता है, राइट से लेफ़्ट पहुंचाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से होती हैं, इसी हैंडलिंग के माध्यम से। तो हैंडलिंग जो है प्रोडक्ट की हैंडलिंग जो है आसान बनाता है, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन आसान भी बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है श्रम कम लगता है, मैन पावर जो है यहाँ पर कम यूज़ होता है, ठीक है। आदमी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कम मेहनत से जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रोडक्ट हैंडलिंग, ठीक है। माल को प्रभावी संचालन के फायदे निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर सही तरीके से अगर हम प्रोडक्ट को हैंडलिंग करें तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। लागत को संभालने वाली इकाइयों सामग्री को कम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप समय की बचत होती है, साथ साथ सामग्री जो है आपको एक समय पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। लागत की भी बचत होती है। विनिर्माण का समय को कम लगता है, जो भी निर्माण में समय है वो कम लगेगा, ठीक है। ग्राहकों तक समय पर जो है प्रोडक्ट पहुँच जाएगा।
माल के प्रवाह के बेहतर नियंत्रण की दिशा में योगदान देता है, ठीक है, और बेहतर जो है यहाँ पर माल को पहुँचाने में, नियंत्रण करने में यहाँ पर हेल्प करता है ये हैंडलिंग, ठीक है। इसके साथ भंडारण की आवश्यकता की में जो कमी आती है उसको पूरा करता है हैंडलिंग, ठीक है। प्रोवाइड्स फॉर द फ्यूअर रिजेक्ट्स, यहाँ पर बहुत ही कम रिजेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि हर काम जो है सुचारू रूप से यहाँ पर चलता रहता है। अगर कोई बीमारी पड़ गया तो दूसरा आदमी वो हैंडलिंग कर सकता है उस चीज़ को, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, खुदरा स्टोर में मटेरियल हैंडलिंग एक प्राथमिक उद्देश्य होता है। देखिए आप कोई भी खुदरा स्टोर में जाएंगे तो मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है भी जान लेते हैं। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है मटेरियल की हैंडलिंग करना, ठीक है, सामानों की हैंडलिंग करना, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार माल को शॉर्ट करना, इसको बोला जाता है मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे सामान हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम एक, ठीक है, हमारे पास 20 किलो शक्कर है, ठीक है, 1 किलो शक्कर जो है हमें ग्राहकों को देना है। अब वो 20 किलो शक्कर में हमें 1 किलो देना है, ठीक है, तो हम 1 किलो को क्यों ना हम एक पैकेट में बांध के पहले से रख दें और ग्राहक जब मांगे तो तुरंत से दे दें। ये होता है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब सामानों को एक बेहतर रूप देकर उसे ग्राहकों तक पहुंचाना, हैंडलिंग करना, वो होता है मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। चलिए जानते हैं ई स्टोरेज हैंडलिंग और शॉपिंग में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें होती है। रिसीविंग, रिसीविंग का मतलब क्या होता है, जब सामग्री आपके स्टोर तक पहुंचती है और या खुदरा स्टोर संचालन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। रिसीविंग का मतलब होता है आपको जो है सामान जो है आपके दुकान पर पहुँचाया गया, है ना, और आपने उसको रिसीव किया या आपने ग्राहकों तक पहुँचाया, ग्राहकों ने रिसीव किया, तो क्या कहलाता है, रिसीविंग कहलाता है, ठीक है। रिसीविंग जो है स्टोर संचालन का मूल कर्तव्य, सहायक ट्रक परिवहन वाहन से माल उतारना चढ़ाना, ये सारी चीज़ें, लोडिंग और अनलोडिंग जो है प्रोसेस इसी से होता है। आप कोई भी खुदरा स्टोर है, आपका खुद का स्टोर है या किसी और का स्टोर है, आपने देखा होगा वहाँ पर जो सामान आता है एक ऑटो के माध्यम से आए या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आए, उसमें सामान जो भी आता है उसे पैकेट्स के साथ आपको वहाँ पर कर्मचारी आपके वो वहाँ से उतारते हैं, आपकी दुकान में रखते हैं, तो ये सब लोड करना अनलोड करना बहुत जो है प्रोसेस है ये इसका, है ना, तो इसको बोलते हैं रिसीविंग। इन स्टोर हैंडलिंग, इन स्टोर हैंडलिंग का मतलब होता है देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग उनमें से एक है, सामग्री को ले जाने, है ना, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है हमारा इन स्टोर हैंडलिंग, ठीक है, क्रेन ट्रक वो सारे माध्यम से। ये देखिए, ये है आपके शिपिंग में जांच और परिवहन वाहनों पर लोड करने के लिए आदेश प्राप्त के रूप में शिपिंग और मैनुअल रूप से अधिकांश प्रणालियों में किया जाता है। आप देखोगे ये सारे माध्यम से जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ रिटेलिंग थेफ्ट। आपके रिटेल स्टोर में जो चोरियां होती है वो उसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप कैसे पहचानेंगे क्या चीज है, तो सबसे पहले पहचाने कि आपको नुकसान कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ऐसा अगर थेफ्ट को पकड़ना हो, चोरी को पकड़ना हो, तो सबसे पहले नुकसान को आप देखें, ठीक है, आपको नुकसान किस सेक्टर में हो रहा है, किस जगह पर हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे ग्राहकों की तरफ से कोई नुकसान हो रहा है तो एक आपके ग्राहक जो है, आप देखेंगे मैक्सिमम जो है 37% जो है खुदरा स्टोर में सॉफ्ट लिफ्टिंग की जाती है, मतलब वहाँ पर दुकानों की चोरी की जाती है, कई ग्राहक जो है दुकानों से पूरा चोरी कर ले दुकान को ही, तो सॉफ्ट लिफ्टिंग कहलाता है वो, ठीक है। स्वास्थ्य सौंदर्य परिधान इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इस तरह की चोरी के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सब सुरक्षित नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो दुकान है, परिधान सौंदर्य ये सब बहुत ज़्यादा चोरी किए जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती है, ज्वेलरीज के दुकान में भी आप ले लो, ठीक है। तो आप पूरा सुनिश्चित करें कि अपराध कवरेज आपके बीमा में शामिल है कि नहीं है, ठीक है। आप अपने शॉप की बीमा कराएं कि नहीं कराएं, वहाँ पर आपके बीमा में ये कंडीशन है कि नहीं, अगर चोरी होती है शॉप लिफ्टिंग होता है तो वो बीमा कंपनी आपको रकम देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित कर लें। उसके बाद है आपके कर्मचारी, अपने कर्मचारियों को पूरी तरीके से निगरानी में रखें, ठीक है। कई बार जो है वास्तव में खुदरा विक्रेता के कुल संकोचन का लगभग 30% बनता है, विभिन्न कारण से कर्मचारी अपनी कंपनी से चोरी करते हैं, बहुत कारण होते हैं, कई कारण होते हैं जिससे एक कर्मचारी अपने ही कंपनी में चोरी करने में मजबूर हो जाता है। कुछ दोस्तों का एक छोटा जो है सौदा देना चाहते हैं, अन्य अपने नियोक्ता मालिकों से असंतुष्ट हैं और चोरी करते हैं क्योंकि अतिरिक्त नकदी चाहते हैं। कई लोग क्या चाहते हैं कि हम थोड़े समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है वो चोरी कर लेते हैं, ठीक है। जो अपने काम से खुश नहीं होते, जब अपने मालिक से खुश नहीं होते वहाँ पर वो चोरी कर लेते हैं, तो इस प्रकार की जो चोरियाँ हैं वो कर्मचारी द्वारा की जाती है, वो भी एक अलग कहलाती है कि आप उसको ध्यान दें, उस चीज़ को कवर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों,
अन्य आपूर्ति, ठेकेदार, प्रबंधन और प्रशासन। शेष 34% जो खुदरा चोरी है वो किस में होता है? ठेकेदार और जो है आपूर्ति आपूर्तियों के द्वारा जो होती है, इन्वेंट्री प्रबंधन, प्रशासनिक छुट्टियों पर त्रुटियाँ जो होती है उसमें होता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे, कई बार स्टोरेज में कोई गड़बड़ होती है, कई बार इन्वेंट्री प्रबंधन में गड़बड़ हो जाती है, लेन देन में जो सामान की जो खरीदी बिक्री है, सामान को मंगाना होता है, लोडिंग अनलोडिंग में सामान कम आ जाता है कई बार, तो वहाँ पर जो है चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में बीच में कहीं पर कुछ हो गया, ठीक है, तो सामान कहीं बीच में भी गायब हो गया, तो जितना ऑर्डर किया था उतना नहीं पहुँचा, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर होती है, ठीक है। आपने स्टोर रूम में सारी चीज़ें रखी हुई है स्टोर रूम में, तो उसमें कई बार उतनी क्वांटिटी में वो बाद में देखते हैं तो नहीं होती, तो वो सब क्या कहलाता है, इसी का निशानी है थेफ्ट का, है ना, चोरी का। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें हम ये कर सकते हैं, तो अपने कमियों को पहचान लें, है ना। सबसे पहले जो बताया था आपको ये वाला, कि आप अपने पहचाने कि आपको नुकसान कहाँ से हो रहा है, ठीक है, कर्मचारियों के साइड से हो रहा है कि ग्राहकों के साइड से हो रहा है, ठीक है, या फिर इन्वेंट्री के साइड से हो रहा है। इसके बाद अपने कर्मचारियों को शिक्षित करें, आपके जितने भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं वो सारे शिक्षित है कि नहीं, और शिक्षित हैं तो इस प्रकार का कदम ना उठाएं, इस बात को सुनिश्चित करें कि वो आपसे आपके व्यवहार से दुखी ना हो, आपके यहाँ जो है खुशी से वो काम करता हो, ईमानदारी के साथ काम करता हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, शॉप लिफ्टिंग को कैसे रोकें, कैसे दुकान की चोरी को रोकें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शॉप लिफ्टिंग जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा उपयोग जो है हो रहा है, क्योंकि आप बड़े बड़े शहरों में देखोगे तो बड़ी बड़ी दुकानें जो है शॉप लिफ्टिंग के शिकार हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारा ज़रूरी है कि आप पीक आवर्स, ओपनिंग क्लोजिंग का समय निश्चित समय करें, मतलब आप शॉप के खुलने का समय, बंद होने का समय, ठीक है, और क्लोजिंग का समय, ये सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नोट करें और उसको पालन करें, ठीक है। भारी कपड़े, हैंडबैग, अनगोपकड़ के साथ दुकानदारों पर नज़र रखें, ठीक है, जो भारी 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 भरकम जो है ग्राहक आते हैं, दुकानदार आते हैं, ठीक है, या भारी कपड़े वो पहने हुए आते हैं, हैंडबैग लेकर आते हैं, तो वैसे ग्राहकों पर आपको ध्यान रखना है, वैसे जो है लोग आपके दुकान में ना मंड रहे हैं, ठीक है। लेबल स्विचिंग, रिटर्निंग, मर्चेंडाइजिंग, चेंजिंग रूम में चोरी जैसी सामान्य रणनीति से अवगत रहें, ठीक है। कई बार आप देखोगे शॉपिंग मॉल में जहाँ पर कपड़े हम लेने जाते हैं तो हमें कपड़े को पहन कर देखने के लिए कहा जाता है कि आप पहन कर देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए एक बार, पहन कर टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, तो वहाँ पर वो चेंजिंग रूम में भेज दिया जाता है हमें। अब कई बार क्या होता है, ग्राहक ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो चेंजिंग रूम से ही जो है कपड़े को गायब कर लेते हैं, और गायब करके कैसे ले जाते हैं पता भी नहीं चल पाता, ठीक है, तो ऐसे में चोरियाँ बहुत होती हैं। उन दुकानदारों पर ध्यान दें जो बहुत अधिक समय व्यतीत करने वाले कर्मचारियों को देखते हैं, ठीक है, और जो बिना कुछ खरीदे दुकान में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, और ड्रेसिंग रूम में कई लोगों के साथ जो है वहाँ पर चोरियाँ करके चोरियों को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो इस बार का आपको ध्यान देना है कि आपके दुकान में या फिर आप कोई भी दुकानदार आपके दुकान में आ रहा है तो वह कितना समय किस व्यक्ति के साथ व्यतीत कर रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो वहाँ पर आपको नज़र रखना ज़रूरी है, CCTV कैमरा वहाँ पर लगा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बच्चों बात करते हैं कर्मचारी को चोरी करने से कैसे रोकें। कर्मचारी को चोरी करने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे आप रोकने के लिए जो भी उपाय कर रहे हैं उन्हें शिक्षित करें, सबसे पहले ज़रूरी है उन्हें शिक्षित करना, अगर वो अनपढ़ हैं तो बार बार करेंगे तो उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझाएं कि आप इन्वेंट्री ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें समझाएं, एक हिदायत दें कि आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहे हैं, आप पकड़े जाओगे अगर ऐसा कुछ करोगे तो, ठीक है, हिदायत देते रहें। कर्मचारियों को बताएं कि क्या लिया जा रहा है और कितना, ठीक है, उन्हें बताया जाए कि आप जो भी चीज़ उठा रहे हो, ले रहे हो, वो कितना ले रहे हो, कितना और उसे रख रहे हो, ठीक है। कर्मचारी चोरी जैसे वीडियो कैमरा को रोकने के लिए जो भी उपाय कर रहे हैं उसका वर्णन करें, ठीक है, तो वहाँ पर आप कैमरे के बारे में बताओ कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, अगर आप कोई चोरी करोगे तो आप पकड़े जाओगे। अपने स्टोर को व्यवस्थित करें और साइड मिरर लगाएं, ठीक है, आप साइड मिरर लगा लें, स्टोर को व्यवस्थित कर लें, तो इससे काफ़ी हद तक आपका जो है शॉप लिफ्टिंग की दुर्घटनाएँ रुक जाएगी। बेहतर खरीदारी के रोकथाम के लिए अपने स्टोर को व्यवस्थित करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। खुली मंजिल को लेआउट रखें ताकि अधिकांश स्टोर दिखाई दे, उच्च प्रदर्शन और स्टोर दृश्यता को विभाजित करने के प्रदर्शित करता है। अवसर सबसे आसानी से चुराए गए सामान कैशबैक रजिस्टर के करीब होते हैं, ठीक है, आप देखोगे जहाँ पर कैश काउंटर होता है उसी को काफ़ी सुरक्षित रखना ज़रूरी है, कैशबैक को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। अपने चेकआउट को पीठ के बजाय स्टोर के सामने के पास रखें, ठीक है, इससे डिज़ाइन करें, ऐसे डिज़ाइन करें ताकि दुकानदारों के पास पूरे स्टोर की साइट एक स्पष्ट रेखा हो, जबकि दुए दुकानदार की जांच करें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को एक जगह पे देख पाए। तो जैसे एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिए, कैमरा लगा दिए, और एक टीवी के माध्यम से जो है
अलग अलग एरिया लोकेशन पे वह देख पाए, ठीक है। इसी का ध्यान देना है, रोशनी व्यवस्था अच्छी हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। देखो कैमरा लगा हुआ है, तो जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड होते रहती है 24 आवर्स। आगे बढ़ते हैं, निगरानी उपकरण स्थापित करें। यदि छोटे व्यवसाय के स्वामी के लिए खुदरा चोरी कम करने के लिए प्रशिक्षण संकेत दर्पण आमतौर पर पर्याप्त हैं। सुरक्षा में अगला कदम कैमरों और RFID टैग जैसे निगरानी उपकरण स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैमरा तो ज़रूरी है, ठीक है, निगरानी के लिए। शॉपलिफ्टिंग को रोकने के लिए कैमरों का उपयोग करने का एक बहुत ही सस्ता तरीका है नकली सुरक्षा कैमरा खरीदना, ठीक है। आप नकली सुरक्षा कैमरा रखें ताकि डराने के लिए, ठीक है। वैसे कुछ डॉलर से लेकर 100 डॉलर एक को जोड़कर कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने यथार्थवादी हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए वे अशुद्ध रोशनी से सुसज्जित हो सकते हैं, दुकानों के चारों ओर घूम सकते हैं। तो ऐसे कई कैमरा है ना, तो ऐसे कैमरे को आप लगा दें, ठीक है, भले ही वो जो है नकली हो। वीडियो निगरानी प्रणाली, ठीक है, आप वीडियो के थ्रू से आप देख सकते हो। वीडियो सुरक्षा कैमरा ना केवल आपको आपके ग्राहकों और कर्मचारियों की जांच करने की अनुमति देता है, बल्कि वे दुकानदार होने के लिए एक स्पष्ट दृश्य निवारक भी प्रदान करता है। यदि उत्पन्न सुरक्षा कैमरा सिस्टम महंगे हो सकते हैं, एक बुनियादी प्रणाली जो है यह नहीं होनी चाहिए। रिटेल RFID टैग, स्टिकर, पिन टैग, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होते हैं। RFID क्या होते हैं? एक पिन टैग फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होते हैं जो आपके उत्पादों से जोड़ते हैं। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं शॉपिंग मॉल में जहाँ भी है ना, वहाँ पर हमें जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसमें हमें एक टैग चिपका के दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं RFID टैग। एक आइडेंटिफिकेशन टैग होता है जो सामान, जो ग्राहक जब वस्तु लेकर बाहर निकलता है तो वो RFID टैग जो है उस पर लगा हुआ होता है, जिससे जो है बाद में वो टैग को जब तक वो दरवाजे तक पहुंचता है, निकलते एग्जिट पे पोल तक पहुंचता है, तब वो टैग को निकाला जाता है, तब उसे जाने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो ये टैग जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस सेंसर के माध्यम से अलार्म बज जाता है, अगर कोई चोरी हो रहा है तो तुरंत अलार्म बज जाएगा, इसमें एक ऐसा सेंसर लगा होता है RFID में, ठीक है। हायर सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको वो सुरक्षा प्रदान करता है, आपके शॉप को सुरक्षा प्रदान करता है ना। वर्दीधारी गार्ड एक महान जो है आपको एक बेहतर सुरक्षा प्रोवाइड करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे वफादार ग्राहकों को असहज बनाने की क्षमता भी रखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कई सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं, निष्ठा के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो सर ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है। यदि आप सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड वाले ड्राइवर का प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए समय की ज़रूरत होती है। बैनरमैन सिक्योरिटी जैसी कंपनी ऑन डिमांड सुरक्षा गार्ड प्रदान करते हैं, ठीक है। कौन प्रदान करता है? जैसे सुरक्षा गार्ड की आपको दुकानदार हो आप, आपको ज़रूरत है सुरक्षा गार्ड की, तो आप बैनरमैन सिक्योरिटी जैसी कंपनी को कॉन्टैक्ट करके आप सिक्योरिटी गार्ड मंगवा सकते हैं, हायर कर सकते हैं। सफाई की बात होती है, सफाई में हम लोग डिटर्जेंट के माध्यम से सफाई कर सकते हैं, सैनिटाइजर के माध्यम से कर सकते हैं, और अदर लिक्विड के माध्यम से भी हम सफाई कर सकते हैं। तो सफाई में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये था आज का सेशन, हो सकता है आपको इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी, तो आप उसे बिल्कुल कमेंट में लिख कर भेजिए, और आपके डाउट्स अगले सेक्शन में हम लोग ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये सेक्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इंकरेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और अगले सेशन के तैयार रहिए। हम आपके साथ अगले सेशन के साथ फिर आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट स्टडीज़ विद द स्मार्ट मोमेंट्स।